अध्यात्म जगत का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य यह है कि तुम्हारे भीतर अनंत संपदाओं का भंडार है। उन सारी संपदाओं का भंडार तुम्हारे भीतर है जो भगवान बुद्ध, महावीर, क्राइस्ट, कृष्ण, कबीर, दादू, रैदास, नानक इनके पास था। जो संपदाएं इनके पास थी उन सारी संपदाओं का भंडार तुम्हारे भीतर है। और दूसरा राज ये है कि इन संपदाओं को जगाने की शक्ति तुम सबके भीतर है। और तीसरा राज है कि इस शक्ति को जगाने का उपाय क्या है। इस शक्ति को जगाने का उपाय है तुम्हारी स्वयं की चेतना जितना अधिक जागती है उतना ही तुम्हारे भीतर छिपी हुई शक्तियां विस्फोट करने लगती है। ये तुम्हारी स्वयं की चेतना 99% सोई हुई है। जो व्यक्ति अपनी इस चेतना को जितना अधिक जगा लेता है वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में उतना ही असाधारण सफलता प्राप्त कर पाता है। आप देखते हैं संसार में कोई व्यक्ति बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त कर लेता है, दूसरे व्यक्ति उतनी बड़ी बड़ी सफलताएं नहीं प्राप्त कर पाते हैं। क्यों? दो महत्वपूर्ण बातें समझ लेना जरूरी है। आप सोचते होंगे जो बड़ी बड़ी सफलताएं प्राप्त कर लेते हैं इन्होंने अपने स्वयं की चेतना को जगाने के लिए कोई आध्यात्मिक दीक्षा तो नहीं ली, कोई आध्यात्मिक साधना तो नहीं की, फिर भी इनको इतनी बड़ी बड़ी सफलताएं क्यों मिली। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा सत्य आपसे कहना चाहता हूं। इस पृथ्वी पर जितने लोग आते हैं दे आर नॉट लाइक ए टेबुला रेसा, ये कोरे कागज के रूप में आप नहीं आते हैं। हर व्यक्ति जो आता है वो अपने अपने जीन्स, पिछले जन्मों में जो जो किया, जो जो पाया, जिस अवस्था में आप जीते रहे वो सूक्ष्म रूप से आपके आत्मा रूपी चिप में आपके साथ साथ इस जीवन में आया। आप देखें बीटल्स, बीथोवेन, मोजार्ट, इनका नाम सुना होगा। कोई 3 साल के उम्र में इतना बड़ा संगीत, कोई 5 साल की उम्र में गणित में इतने बड़े बड़े कमाल करता है।